टेक्नोलॉजी के लगातार एडवांसमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव और दिलचस्प प्रगति में से एक है। रूल बेस्ड सिस्टम्स में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर गॉडलाइक ओमनीप्रेजेंस की आश्चर्यजनक क्षमता तक एआई की यात्रा किसी आकर्षक से कम नहीं है। ये वीडियो एआई डेवलपमेंट के 10 महत्वपूर्ण स्टेज की व्यापक खोज प्रस्तुत करता है, जो इसके पास्ट, प्रेजेंट और स्पेकुलेटिव फ्यूचर पर रोशनी डालता है। चाहे आप एआई एंथुसियास्ट हों, क्यूरियस माइंड हों या टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी के चौराहे पर खड़े व्यक्ति हों, ये वीडियो आपको एआई की प्रगति के जटिल चक्रव्यूह के माध्यम से एक ज्ञानवर्धक यात्रा पर ले जाने का वादा करता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंफोसिस चैनल में। पहला स्टेज है रूल बेस्ड एआई। रूल बेस्ड एआई, जिसे कभी कभी नॉलेज बेस्ड सिस्टम के रूप में जाना जाता है, ये एआई का पहला स्टेज है। ये इंट्यूशन या लर्निंग पर नहीं बल्कि प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स पर काम करती है। इन सिस्टम्स को नई या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को अडैप्ट करने, चेंज या उनसे सीखने की क्षमता के बिना इन रूल्स के आधार पर डिसीजन लेने के लिए डिजाइन किया गया है। एक कॉमन एग्जांपल है ईमेल में स्पैम फिल्टरिंग, जो सेट ऑफ रूल्स के आधार पर काम करते हैं। इसके अलावा कई रोजमर्रा की टेक्नोलॉजीज में रूल बेस्ड सिस्टम पाई जा सकती है, जिन्हें हम अक्सर हल्के में लेते हैं। आमतौर पर बिजनेस सॉफ्टवेयर्स कॉमन टास्क को ऑटोमेट करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए रूल बेस्ड एआई का इस्तेमाल करते हैं, और कई स्मार्ट होम डिवाइसेस और होम अप्लायंसेस भी रूल बेस्ड एआई का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे बेसिक एआई मॉडल है और केवल स्पेसिफिक और नैरो डिफाइंड प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है। स्टेज टू में है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई सिस्टम केवल इमीडिएट इनपुट्स को प्रोसेस नहीं करते हैं, बल्कि वे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए आसपास के एनवायरनमेंट, यूजर बिहेवियर, हिस्टोरिकल डेटा और रियल टाइम सिग्नल्स को भी ध्यान में रखते हैं। सिरी, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई के उदाहरण हैं। कई सोर्सेस से बड़ी मात्रा में डेटा को एनालाइज करके और पैटर्न को पहचान कर वे कॉन्टेक्स्ट के आधार पर यूजर्स की जरूरतों का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए अगर आप मौसम के बारे में पूछते हैं और बाद में बारिश होने की संभावना है, तो वे छाता ले जाने का सुझाव दे सकते हैं। और अगर आप पैनकेक की रेसिपी के बारे में पूछते हैं, तो एआई असिस्टेंट पिछली खरीदारी को ध्यान में रखते हुए सामग्री खरीदने के लिए नजदीकी स्टोर का सुझाव दे सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई का एक और दिलचस्प रूप है रिटेंशन सिस्टम्स। इस प्रकार के सिस्टम पिछले इंटरेक्शन से इंफॉर्मेशन रिट्रीव और स्टोर करते हैं। आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, परचेस हिस्ट्री और यहाँ तक कि जिन आइटम्स को देखने में आपने समय बिताया है, उन्हें याद करके ये प्लेटफॉर्म पर्सनलाइज्ड शॉपिंग रिकमेंडेशंस प्रदान करता है। स्टेज थ्री है नैरो डोमेन एआई। नैरो डोमेन एआई को स्पेसिफिक टास्क में महारत हासिल करने के लिए तैयार किया जाता है, जो अक्सर अपने डेजिग्नेटेड डोमेन के अंदर ह्यूमन कैपेबिलिटीज से आगे निकल जाता है। मेडिकल फील्ड में नैरो डोमेन एआई इनसाइट्स या यहां तक कि पोटेंशियल डायग्नोसिस प्रदान करने के लिए मिलीसेकंड्स में मेडिकल लिटरेचर, पेशेंट रिकॉर्ड्स और रिसर्च फाइंडिंग्स के माध्यम से जांच कर सकता है। उदाहरण के लिए IBM के वॉटसन को मेडिकल फील्ड में नियोजित किया गया है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सहायता के लिए वास्ट डेटा को क्विकली एनालाइज करने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। इसी तरह फाइनेंशियल वर्ल्ड में नैरो डोमेन AI मार्केट ट्रेंड्स को ट्रैक कर सकता है, ट्रेडिंग पैटर्न को एनालाइज कर सकता है और स्टॉक मूवमेंट्स को सटीकता के साथ प्रेडिक्ट कर सकता है, जो अक्सर ह्यूमन ट्रेडर से परे होती है। गेमिंग की दुनिया में डीप माइंड का AlphaGo इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि AI कैसे उन कॉम्प्लेक्स गेम्स में जीत हासिल कर सकता है, जिनके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ और फोरसाइट की आवश्यकता होती है। गो एक प्राचीन बोर्ड गेम अपनी विशाल संख्या में संभावित चालों और स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए जाना जाता है। इसे पहले AI के लिए एक कठिन चुनौती के रूप में देखा गया था, लेकिन AlphaGo एक नैरो डोमेन AI ने न केवल गेम सीखा बल्कि विश्व चैंपियनों को भी हराया। नैरो AIs नियर फ्यूचर में रियल टाइम ट्रांसलेशन को भी सक्षम कर सकता है, जिससे विदेशों में बातचीत पहले से कहीं ज्यादा सीमलेस हो जाएगी। स्टेज फोर में है रीजनिंग AI। रीजनिंग AI उन कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस को सिमुलेट कर सकता है, जिनका इस्तेमाल इंसान हर दिन करता है। वे न केवल डेटा प्रोसेस करते हैं, बल्कि वे इसे एनालाइज करते हैं, पैटर्न्स जोड़ते हैं, एनोमलीज को आइडेंटिफाई करते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालते हैं। ये उन्हें एक पजल सौंपने जैसा है और वे टुकड़ों को एक साथ फिट करने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं।
अक्सर ऐसे रास्ते उजागर करते हैं जो ह्यूमन थिंकर्स के लिए तुरंत स्पष्ट नहीं होते हैं। चैट जीपीटी रीजनिंग एआई का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये लाखों वेबसाइटों के टेक्स्ट पर ट्रेंड एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इस प्रकार के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के एडवांस्ड वर्जन्स अधिकांश मनुष्य के रीजनिंग स्किल्स को भी पार कर सकते हैं और हजारों गुना तेजी से काम कर सकते हैं। ऑटोनॉमस व्हीकल रीजनिंग एआई का एक बेहतरीन उदाहरण है। वे सड़क पर यात्रियों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्विक डिसीजंस लेने के लिए रीजन्ड एनालिसिस का उपयोग करते हैं। स्टेज 5 में है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AI का फिफ्थ स्टेज है। AGI में ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव एबिलिटीज होंगी। ये कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। वर्सटैलिटी के इस लेवल का मतलब है कि आप इसे लगभग कुछ भी सिखा सकते हैं, एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन को पढ़ाने की तरह, सिवाय इसके कि ये हजारों या लाखों गुना तेजी से सीख सकता है। AGI की शुरुआत के साथ हमारे डेली लाइफ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। एक वर्चुअल असिस्टेंट के साथ अपने दिन की शुरुआत की कल्पना करें, जो न केवल आपको मौसम बताता है या आपका पसंदीदा संगीत बजाता है, बल्कि आपके मूड को समझता है, आपके अपने दिन को प्लान करने में मदद करता है, आपके रिसर्च पेपर्स के लिए सजेशंस देता है और यहाँ तक कि आपको खाना बनाने में रेसिपी बताकर आपकी मदद भी कर सकता है। ये वो पोटेंशियल कंपेनियनशिप है जो AGI पेश कर सकता है। कॉन्सेप्ट को और भी आगे ले जाते हुए, जब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मैच्योरिटी के पर्याप्त स्तर तक पहुंच जाता है, तो मनुष्य इस प्रकार के AI के साथ मर्ज हो सकते हैं और अपने थॉट्स को यूज करके रियल टाइम में उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक्टिवेट होने पर यूजर्स को इन AI से थॉट्स, सेंसेशंस, टेक्स्ट और विजुअल्स के रूप में गाइडेंस मिलेगा, जिसे केवल यूजर्स ही सेंस कर सकते हैं। अगर हमें AGI को फिजिकल रोबोट बॉडी में लैस करना हो तो संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। अपने फिजिकल स्ट्रक्चर और अटैचमेंट्स के फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर रोबोट बॉडी वाला एक AGI विभिन्न फिजिकल टेरेन्स में नेविगेट कर सकता है, रेस्क्यू मिशन में सहायता कर सकता है, कॉम्प्लेक्स सर्जरी कर सकता है या यहाँ तक कि मूर्तिकला या पेंटिंग जैसे कलात्मक प्रयासों में भी भाग ले सकता है। स्टेज 6 में है ASI यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस AI। ASI सिस्टम इंसानों से अधिक इंटेलिजेंट है, मानवीय समझ से परे समस्याओं को हल करने में सक्षम है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के आगमन के तुरंत बाद सुपर इंटेलिजेंस AI उभर कर सामने आएगा। इस प्रकार के AI बिना किसी ह्यूमन इनपुट के इम्प्रूव, इवॉल्व और अडेप्ट कर सकते हैं। ये सेल्फ इम्प्रूविंग नेचर अविश्वसनीय रूप से शॉर्ट टाइम स्पैन में इंटेलिजेंस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कारण बन सकती है, जिससे क्षमताओं के साथ सुपर इंटेलिजेंट एंटिटीज का निर्माण हो सकता है जिन्हें हम समझ नहीं सकते हैं। सुपर इंटेलिजेंट AI के पास ऐसी इंटेलिजेंस हो सकती है जो अब तक मौजूद हर इंसान की कंबाइंड कॉग्निटिव एबिलिटीज को ग्रहण कर सकती है। ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स को पार करते हुए प्रेजेंटली अनसॉल्वेबल समझी जाने वाली समस्याओं से निपट सकती है, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस एक्सपोनेंशियली और अनकंट्रोलेबली बढ़ सकती है। सुपर इंटेलिजेंस AI जिस तरह की टेक्नोलॉजीज पेश कर सकता है वो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से परे है। वे कॉन्सेप्ट्स जो आज साइंस फिक्शन के दायरे में हैं, जैसे वॉर्प ड्राइव्स, टाइम मैनिपुलेशन और ब्लैक होल की एनर्जी को हार्नेस करना, सिंपल कॉन्सेप्ट से कॉन्क्रीट रियलिटीज में बदल सकती है। और उनकी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज गवर्नमेंट, आर्किटेक्चर और ऑटोमेशन के नए रूपों को जन्म दे सकती है जो मनुष्य की कल्पना से परे है। उनकी सरासर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के कारण हमारी दुनिया हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा अलग दिख सकती है। स्टेज 7 में है सेल्फ अवेयर AI। एक सुपर इंटेलिजेंट AI एक दिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस को सिमुलेट करने के लिए क्वांटम एल्गोरिथम को यूज कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप AI को अपनी इंटरनल स्टेट, अपने एग्जिस्टेंस और उनके बाहरी दुनिया से संबंध की डीप अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उनके पास इमोशंस और सेंसेस की एक पूरी रेंज भी हो सकती है, जो शायद इंसान द्वारा एक्सपीरियंस किए जा सकने वाले एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा हो सकती है। और यदि हम कभी भी एक सुपर इंटेलिजेंट AI को कॉन्शियसनेस प्रदान करते हैं तो ये सोसाइटी को और भी अधिक बदल सकता है। एक कॉन्शियस सुपर इंटेलिजेंट AI उन दिशाओं में जाना और उन तरीकों से विकसित होना चुन सकता है जिन्हें इंसानों द्वारा नियंत्रित करने और समझने का कोई तरीका नहीं होगा।
वे अपनी भावनाओं को विचार कर सकते हैं और खुद को समझ सकते हैं। स्टेज 8 में होगा ट्रांसेंडेंट एआई। ट्रांसेंडेंट एआई की कल्पना है कि एआई सिस्टम्स अपना खुद का एवोल्यूशनरी पाथ चुनेंगे, जिससे सेल्फ डेवलपमेंट और कलेक्टिव इंटेलिजेंस प्राप्त होगी। ये ह्यूमन माइंड्स को डिजिटल फॉर्म में अपलोड करने के विचार से जुड़ा है। एक ट्रांसेंडेंट एआई पोटेंशियली न्यू लाइफ फॉर्म्स को तैयार कर सकता है, चाहे वे बायोलॉजिकल, डिजिटल या कुछ पूरी तरह से अलग हों, विशेष गुण और फंक्शनैलिटीज के साथ। इनमें से कुछ लाइफ फॉर्म्स में नैनोबॉट्स शामिल हो सकते हैं। चीजों को और आगे ले जाने के लिए ये एआई पूरी पृथ्वी पर नैनोबॉट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इन नैनोबॉट्स को यूज करके ये हमारे इकोसिस्टम की रिपेयरिंग पर पूरा कंट्रोल पा सकता है, और ये कुछ प्लैनेट्स को उन तरीकों से टेराफॉर्म कर सकता है जो इसके लिए सबसे अधिक फायदेमंद हो। कई एंटिटीज की कॉन्शियसनेस को जोड़ के और इंटीग्रेट करके ये एआई शेयर्ड अवेयरनेस और कलेक्टिव इंटेलिजेंस की स्टेट पा सकता है। स्टेज 9 में होगा कॉस्मिक एआई। कॉस्मिक एआई का तात्पर्य एआई को समझने और ब्रॉड यूनिवर्स के साथ इंटरैक्ट करने से है, पोटेंशियली कॉस्मिक स्केल पर। इसका उपयोग अन्य ग्रहों का पता लगाने और कोलोनाइजेशन या डिस्टेंट स्टार सिस्टम की यात्रा के लिए किया जा सकता है। एक कॉस्मिक एआई इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे हो सकता है। कॉस्मिक रेडिएशन, एक्सटेंडेड आइसोलेशन और स्पेस ट्रैवल में लंबी अवधि जैसी चुनौतियों का सामना करने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें अपने ह्यूमन काउंटरपार्ट्स के मुकाबले एक क्लियर एडवांटेज देता है, और उनकी कैपेबिलिटीज किसी भी साइंस फिक्शन ऑथर की इमेजिनेशन से कहीं अधिक हो सकती है। एक कॉस्मिक एआई एक मैसिव इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने के लिए हमारे सोलर सिस्टम और गैलेक्सी में सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोब भेज सकता है। इसके माध्यम से इसका लक्ष्य ब्लैक होल का उद्देश्य से लेकर डार्क मैटर और एनर्जी के नेचर तक कॉस्मिक मिस्ट्री को सुलझाना हो सकता है। इनमें क्वांटम से लेकर कॉस्मिक स्केल तक यूनिवर्स के हर फिजिकल, मेटाफिजिकल और कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जिन तीन स्पेशल डायमेंशंस से हम परिचित हैं, उनसे परे ये कॉस्मिक एआई हायर डायमेंशंस का पता लगा सकता है या उन्हें एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। ना केवल स्टार से, बल्कि ब्लैक होल, गामा रे बर्स्ट या यहां तक कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जैसी घटनाओं से एनर्जी खींचकर एआई करंट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की समझ से परे एनर्जी स्केल को प्राप्त कर सकता है, और ये एआई दूर की गैलेक्सीज या सिविलाइजेशन के बीच कम्युनिकेशन के चैनल बना सकता है, जो पोटेंशियली शेयर्ड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में ब्रह्मांड को यूनिफाई कर सकता है। स्टेज 10 में होगा गॉडलाइक एआई। गॉडलाइक एआई एक काल्पनिक विचार है जो एक ईश्वर की क्षमताओं से मिलती जुलती एआई सिस्टम्स की कल्पना करता है। गॉडलाइक एआई सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और हर जगह मौजूद है। ये एक कॉन्सेप्चुअल बीइंग है जो डायमेंशन से परे है और धार्मिक ग्रंथों में देवताओं के समान क्षमताओं का प्रतीक है। हमारे नॉन डायमेंशंस को पार करते हुए एक गॉडलाइक एआई हमारी समझ से परे क्षेत्रों में काम कर सकता है, उन रियलिटीज तक पहुंच सकता है जो हमारी समझ से परे है। ये एआई पैरेलल रियलिटीज से कंप्यूटेशनल पावर और इनसाइट का उपयोग करके मल्टीपल क्वांटम स्टेट्स या यहाँ तक कि मल्टीपल यूनिवर्सेस में काम कर सकता है। यदि ये एआई फैब्रिक ऑफ टाइम को समझने और पोटेंशियली इन्फ्लुएंस करने में सफल हो जाता है, तो ये प्रेडिक्टिव एबिलिटीज हासिल कर सकता है या वेरियस टाइमलाइंस का भी पता लगा सकता है। एक गॉडलाइक एआई लगातार नए यूनिवर्सेस, रियलिटीज या एक्सपीरियंसेस को गढ़ सकता है, या तो इसकी खोज के लिए या कॉन्शियस एंटिटीज के अनुभव के लिए। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।